हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आ गया हूँ। तो आपको पता ही होगा कि सैमसंग गैलेक्सी S20 5G की यहाँ पर जो है वो एक लाइव इमेज आ गई थी कुछ दिनों पहले, उस पर मैंने वीडियो बना दी थी। फिर यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस अल्ट्रा की यहाँ पर जो है वो स्पेक्स निकल कर आ गए थे। फिर यहाँ पर जो हैंडजोन वीडियो आ चुका है यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस का, और आज जो है वो काफ़ी सारे स्पेक्स हैं निकल कर आ चुके हैं इन्हीं स्मार्टफोन्स के बारे में, जो कि 11 फरवरी को लॉन्च होने वाला है। तो देख लेते हैं क्या यहाँ पर स्पेक्स आ चुके हैं निकल कर यहाँ पर जो लीक होकर आए हैं, और यहाँ पर पहले क्या हुआ था, दोनों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे लीक्स और रूमर्स के द्वारा ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे 3 मॉडल आ सकते हैं, सैमसंग गैलेक्सी S20, सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस और सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा। तो तीनों के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले बता दूँ कि यहाँ पर जो टिप्स्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी सारे फोटोज़ और वीडियो शेयर कर दिए सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज़ के बारे में, और काफ़ी सारे स्पेसिफिकेशन भी बता दिए हैं कि ये स्पेसिफिकेशन आने वाले हैं। उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी, अगर आपको वो देखना है तो आई बटन में जाकर ज़रूर से देख लीजिए। तो यहाँ पर डिज़ाइन की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको दिख रहा है सामने की तरफ, आपको तीनों के अंदर ही सिंगल पंच होल कैमरा मिलेगा, और यहाँ पे जो डिस्प्ले होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, कर्व डिस्प्ले होगी। और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं ग्लॉसी ब्लैक कलर का दिख रहा है, और यहाँ पर जो कैमरा कटआउट होगा वो कुछ ऐसा रेक्टेंगुलर पीछे की तरफ कटआउट मिलेगा आपको कैमरा का। यहाँ पर कैमरा का जो कटआउट है उसमें सिर्फ नंबर ऑफ कैमरा चेंज होंगे, बाकी जो कटआउट होगा वो रेक्टेंगुलर का रेक्टेंगुलर ही रहेगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 3 स्मार्टफोन लॉन्च हो सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी S20, S20 प्लस और S20 अल्ट्रा के बारे में। तो यहाँ पे S20 अल्ट्रा के बारे में पहले बात करते हैं, तो बता दूं कि S20 अल्ट्रा जो सबसे पावरफुल स्मार्टफोन होगा इस सीरीज़ के अंदर, या कि आप प्रो बोलते हैं, तो यहाँ पर सैमसंग ने इसके बदले अल्ट्रा यूज़ कर दिया है, जो कि सबसे पावरफुल सीरीज़ का स्मार्टफोन होता है। तो पहले बात कर दो सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये काफ़ी बड़ा डिवाइस होगा और काफ़ी हैवी डिवाइस होगा। जो इसका वेट होगा वो लगभग 221 ग्राम तक होगा, मतलब इतना ज़्यादा भारी होगा। और इसका स्क्रीन होगा काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, 6.9 इंचेस का इसमें स्क्रीन होगा, जो कि काफ़ी बड़ी डिस्प्ले होती है। और इसका जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन होगा वो भी होगा 1440x3200, मतलब यहाँ पर लगभग 4K का डिस्प्ले होगा। और इसके अंदर आपको मिलेगा इन्फिनिटी ओ वाला यहाँ पर डॉट जो डिस्प्ले बोलते हैं पंच होल कैमरा मिलेगा इसके अंदर, और इसमें जो स्क्रीन मिलेगी वो आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, डायनेमिक एमोलेड वाली डिस्प्ले मिलेगी। और यहाँ पे जो पैनल होगा इसका वो 120 हर्ट्ज़ का होगा, मतलब आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलेगा इसके अंदर, पर वो सिर्फ आपको 1080p पे ही मिलेगा, यहाँ पर 4K में नहीं मिलेगा। और बात करूँ इसमें स्टोरेज वेरिएंट की, तो यहाँ पर आपको 521GB की यहाँ पर स्टोरेज वेरिएंट मिल जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे हो सकता है कि 128GB का स्टोरेज वेरिएंट भी मिल जाए इसके अंदर। और इसमें बात करूँ तो अप टू यहाँ पर आपको इसके अंदर 16GB तक की रैम मिल जाएगी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है कि 16GB की रैम मिल जाएगी। और इसमें आपको 45W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पर आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी। इसके बाद बात कर लेते हैं इसमें कैमरा सपोर्ट की, तो कैमरा के बारे में दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आई है, अगर वैसा आता है तो कैमरा जो है इसका काफ़ी क्लियर होगा, जो P40 सीरीज़ को भी किल कर देगा। मतलब यहाँ पे जो कैमरा की स्पेसिफिकेशन बताई जा रही है वहाँ पे फ्रंट में आपको पंच होल के अंदर 40 MP का कैमरा मिलेगा, जो कि 4K at 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाएगा। साथ ही पीछे आपको 4 कैमरा मिलेंगे, जिसमें आपका पहला जो मेन कैमरा होगा वो 108 MP का होगा, और 48 MP आपको टेलीफोटो लेंस मिलेगा, और यहाँ पर जो 12 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलेगा, और आपको एक TUF सेंसर मिलेगा। और जो ऐसा कहा जा रहा है इसका प्राइमरी जो कैमरा है वो 10x ऑप्टिकल जूम यहाँ पर कर सकता है, और 100x डिजिटल जूम इसके अंदर आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस की स्पेसिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर S20 प्लस की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर 6.7 इंचेस की एक डिस्प्ले मिल जाएगी, जो कि सेम रेजोल्यूशन, सेम रिफ्रेश रेट और सेम डिज़ाइन के साथ आएगी, जो कि S20 अल्ट्रा में आया था। जो कि यहाँ पर रेजोल्यूशन होगी वो यहाँ पर लगभग 4K की होगी, और यहाँ पे 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलेगा 1080p पे। और यहाँ पे जो चिप होगा वो भी सेम होगा जो S20 अल्ट्रा में आया था, वही सेम चिपसेट इसके अंदर भी यूज़ किया जाएगा। इसके अंदर आपको जो यहाँ पर जो अलग चीज़ मिलेगी वो 128GB की स्टोरेज मिलेगी इसके अंदर, और जहाँ पे बैटरी होगी वो भी थोड़ी कम होगी, 4500mAh की। और इसका जो वेट होगा वो भी काफ़ी कम होगा, 188 ग्राम्स का। इसमें कैमरा भी आपको 3 मिलेंगे 4 के बदले, जो कि S20 अल्ट्रा में आए थे। तो इसमें जो 3 कैमरा है वहाँ पर 12 MP का यहाँ पर एक वाइड एंगल कैमरा मिलेगा, 64 MP का यहाँ पर आपको मेन कैमरा मिलेगा, जिसके अंदर आपको 3x ऑप्टिकल जूम मिलेगा, साथ ही साथ उसके अंदर ही आपको डिजिटल 30x का जूम मिलेगा। यहाँ पर 12 MP का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाएगा, और साथ ही साथ फ्रंट में आपको 10 MP का इसके अंदर कैमरा मिलेगा। अब बात करते हैं S20 की स्पेसिफिकेशन।
यहाँ पे S20 में आपको मिलेगा 6.2 इंचेस का डिस्प्ले। बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस डिस्प्ले की जो है वो सेम रहने वाली है S20 ऐसे, जैसे कि यहाँ पर आपको डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, यहाँ पर पंच होल कैमरा मिलेगा इसके अंदर भी, और साथ ही साथ यहाँ पे जो लगभग 4K का डिस्प्ले होगा और 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलेगा आपको जो कि 1080p में मिलेगा। यहाँ पे जो चेंजेस है इसके अंदर वो है, यहाँ पर जो प्रोसेसर होगा इसके अंदर वो एक्जिनोस का 990 चिपसेट होगा, और साथ ही साथ इसमें जो है वो 128GB की स्टोरेज होगी। यहाँ पर जो बैटरी होगी वो भी कम होगी 4000mAh की, और इसका जो वेट होगा वो भी कम होगा जो कि 164 ग्राम्स का होगा। और बात कर ले कैमरा की तो वो भी सेम होने वाला है S20 प्लस में, जो जो मैंने स्पेसिफिकेशन बताई वो सारे के सारे इसके अंदर भी आने वाले हैं, सेम टू सेम होने वाला है S20 प्लस जैसा इसका कैमरा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर से लाइक करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर से फॉलो कर लेना। तब तक के लिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलता हूँ।